प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित भारतीय विज्ञान कार्यक्रम में शामिल हुए वो। मोदी ने इस मौके पर आई स्टेम पोर्टल को लॉन्च किया जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सेशन को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एक नया लक्ष्य तय किया और कहा कि भारत ने स्पेस के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन अब वक्त आया है कि हम समुद्र के क्षेत्र में भी अपनी ताकत को बढ़ाएं। समुद्र में भी हमें पानी, फूड और एनर्जी के क्षेत्र में काम करना होगा। पीएम ने कहा कि समुद्र की गहराइयों में उतर वहाँ का मानचित्र बनाने और जिम्मेदारी से सतत पोषणीय विकास की भावना पर आधारित संसाधनों के दोहन की आवश्यकता है। सावित्री बाई फुले को उनकी जयंती पर पीएम मोदी ने याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सावित्री बाई फुले की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन। उन्होंने सामाजिक एकता, शिक्षा और महिला के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक चेतना के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को सदा प्रेरित करता रहेगा। CAA को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी के जन जागरण अभियान के तहत रैलियां शुरू कर दी गई हैं। इसके क्रम में आज जोधपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जोधपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 22 झांकियां दिखाई देंगी। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने 16 राज्यों में 6 मंत्रालय विभागों को इजाजत दे दी है। राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की झांकियां शामिल होंगी। इसके अलावा शिपिंग मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत 6 मंत्रालयों और विभागों को भी इजाजत दी गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मायावती ने ट्विटर के जरिए अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए लिखा, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार के सीएम श्री गहलोत का कोटा में लगभग 100 मासूम बच्चों की हुई मौत पर अपनी कमियों को छिपाने के लिए आए दिन चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाले अर्थात गैर जिम्मेवारान और असंवेदनशील और राजनीतिक बयानबाजी करना यह अति शर्मनाक और निंदनीय है। भगवा को लेकर यूपी में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। हैशटैग भगवा की शान योगी के साथ कविताओं के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के लिए व्यापार है भगवा, हमारे योगी जी का प्यार है भगवा, राजनीति के सौदागरों को चुनौती है भगवा, उत्तर प्रदेश का निशान है भगवा। कोटा में बच्चों की मौत पर मामले पर दरअसल सीएम गहलोत का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। गहलोत ने कहा कि हर अस्पताल की यही कहानी है। मीडिया ने मुद्दा बनाया, विपक्ष अब हवा दे रहा है। एसपी अध्यक्ष ने एनआरसी और एनपीआर को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर एनपीआर, एनआरसी या एनआरसी लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो पर्चा नहीं भरेंगे। पीएफआई पर यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का बयान सामने आया। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि यूपी हिंसा में पीएफआई का हाथ है। गृह विभाग को बैन की सिफारिश की गई है। पीएफआई ने संगठित तरीके से यूपी में हिंसा की है। यूपी हिंसा में पीएफआई सक्रिय रूप से शामिल है। अब तक पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार माघ मेले को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है। प्रयागराज में 10 जनवरी से लगने वाले माघ मेले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से चाक चौबंद किया जा रहा है। मेले के लिए इस बार 5 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जा रहा है। यहां एलईडी लाइटों के साथ ही 50 आई मास्क लगाए जा रहे हैं। मेले के दौरान करीब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है। जुमे की नमाज को लेकर रामपुर में पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। रामपुर में 21 दिसंबर को CAA को लेकर हिंसा हुई थी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूर्व में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी के गोरखपुर, आगरा, सहारनपुर समेत कई जिलों में आज भी अलर्ट है। पैरामिलिट्री और पीएसी के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। सीए को लेकर यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई थी जिसमें पीएफआई की भूमिका सामने आई।
सहारनपुर मंडल के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने यह बताया कि शामली में 18 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनमें से 12 प्रिवेंटिव अरेस्टिंग है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मेरठ में सीएए को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और इसी को लेकर यूपी पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी एक दुकान के अंदर मौजूद 30 पुलिस कर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आग के लगाने की योजना बना रहे हैं। घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान 2 आरपीएफ जवान और एक स्थानीय पत्रकार घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। विधानसभा में नेता विपक्ष और एसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो एनआरसी सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों को पेंशन देंगे। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों ने संविधान बचाने का काम किया। उन्होंने हिंसा के पीछे बीजेपी और संघ का हाथ बताया। नए साल पर रेल के बढ़े किराए के बोझ से लोग उबर ही नहीं पाए थे कि यूपी रोडवेज ने भी यात्री किरायों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद रोडवेज प्रबंधन ने गुरुवार आधी रात से बसों के किराए में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी कर दी है। मेरठ में आईजी रेंज कार्यालय के पास पौश इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक होटल में युवक पार्टी कर रहे थे, इसी दौरान बेल को लेकर विवाद हो गया और युवकों ने 6 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। सिकंदरपुर कस्बे में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक शख्स के सर पर गंभीर चोट लग गई। झगड़े में कई लोग घायल भी हुए। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सरपताहा थाना क्षेत्र के रुधौली गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें एक दंपत्ति के घायल होने की खबर है। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। सर्दी के मौसम में यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बर्फबारी और बारिश से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश और ओलों से गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एक तरफ जहां पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कई संस्थाओं द्वारा ठंड से बचने के लिए तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जौनपुर के खेता सराय में गरीब लोगों को कंबल और शॉले बांटी गई। कैंप के मुख्य अतिथि के रूप में डीएम मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद एक बच्चे से डीएम ने पहाड़ा पूछा, जिसके बाद बच्चे के जवाब से डीएम काफी प्रभावित हुए। कैंप में लोगों को भोजन भी कराया गया। प्रतापगढ़ के कटैया गांव में अनोखी पहल देखने को मिली। गांव में नरेगा के तहत बांस की नर्सरी तैयार की गई और इलाके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पहल की गई। इसके साथ ही ठंड से बचने के लिए ग्रामीणों को कंबल और बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान और विधायक के साथ जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। पांचाल घाट गंगा तट पर मेला राम नगरिया में तंबू की नगरी बसने लगी है। कल्पवासी भी पुण्य कमाने पहुंचने लगे हैं। वहीं शहर का गंदा पानी गंगा में जाने से अभी तक रोका नहीं गया है। मेला रामनगरिया का 10 जनवरी से शुभारंभ होगा। इसके साथ ही कई जनपदों से आने वाले कल्पवासी भी गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सफाई पर भी विशेष नजर है। जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर मेले की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दे रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 75 में एपेक्स एथेना सोसाइटी में भीषण आग लग गई। आग सोसाइटी की 14वीं मंजिल के एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सूचना मिलते ही घर में मौजूद लोगों को पड़ोसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। गौंडा में छुट्टी न मिल पाने के कारण हंगामा काटने वाले शिक्षक प्रवीण कुमार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। शिक्षक का आरोप है कि उसका बच्चा बीमार है जो अस्पताल में भर्ती है। वो और उसकी पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं, पर उसकी पत्नी की छुट्टी के बदले शिक्षा अधिकारी और बीएसए ऑफिस के बाबू पैसे की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शिक्षा अधिकारी मणिराम सिंह का बयान आया कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी। फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी को जाँच सौंप दी गई है, पर टीचर को अभी तक छुट्टी नहीं मिल पाई है।
मुरादाबाद के बेलारी थाना इलाके के सामाजिक आश्रय संस्था से बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में बुजुर्गों के साथ बदसलूकी की जा रही है। संस्था में बेसहारा लोगों को रहने के लिए खाना दिया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ एसटीएफ और नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कंटेनर गांजा बरामद किया गया, जिसे छुपाकर उड़ीसा से संभल आया जा रहा था। वहीं 5 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बांदा के कोतवाली इलाके में केन नदी के किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक इसी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने आशंका जाहिर की कि युवक की हत्या हुई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। मामले की जांच जारी है। मसूरी के देहरादून की बाड़ी मोटर मार्ग पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। अंधेरा होने की वजह से कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे। वहीं सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कई घंटों के रेस्क्यू के बाद 5 घायलों को खाई से निकाला गया। सभी घायलों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में भारी बर्फबारी के बाद स्कीइंग कार्निवल की शुरुआत हो गई है। पर्यटन विभाग और मनाल संस्था के सहयोग से 3 दिवसीय स्नो स्कीइंग कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। स्कीइंग महोत्सव का उद्घाटन मुंसियारी महाविद्यालय के प्रिंसिपल एमपी नगवाल ने किया। इस मौके पर कई जगहों से पहुंचे पर्यटकों ने स्कीइंग की, सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। अस्पताल में अब तक 104 बच्चों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भेजी गई एक विशेष टीम आज जेके लोन हॉस्पिटल जाएगी। इस टीम में जोधपुर एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वास्थ्यविद और क्षेत्रीय निदेशक शामिल होंगे। इसके अलावा जयपुर से भी विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को बच्चों के इलाज में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही मामले की जाँच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी कोटा जाएगी। इराक की राजधानी बगदाद में अंजाम दिए गए एक अमेरिकी हवाई हमले में ईरान की स्पेशल कुद्दस फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। इस हमले में ईरान समर्थित मिलिशिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के डेप्यूटी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस की भी मौत हो गई। पीएमएफ के अफसरों ने कहा कि इस हवाई हमले को अमेरिका ने अंजाम दिया। बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई। इस बाढ़ की वजह से विस्थापित लोग अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। बाढ़ के चलते अब तक 30 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के अनुसार मानसून की बारिश और उफनती नदियों की वजह से कम 182 इलाके जलमग्न हो गए। जकार्ता के बाहरी जिलों में बोगोर एवं दीपोक जिलों में भूस्खलन भी हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तिलमिलाहट और बेबसी एक बार फिर साफ नजर आई है। कुरैशी ने पाकिस्तान में पाई जा रही बेचैनी पर एक तरह से मुहर लगाते हुए कहा कि कुछ ताकतें देश को मनोवैज्ञानिक जंग का शिकार बनाकर अव्यवस्था फैलाना चाह रही हैं। कुरैशी ने मुल्तान में हजरत शाह रकन आलम के 706वें सालाना उसके मौके पर दरगाह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कहा कि जरूरी नहीं कि हर जंग मिसाइल और बारूद से लड़ी जाए। पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब अमेरिका ने अपने विमानों पर पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में आतंकी हमले होने का खतरा जाहिर किया है। अमेरिका ने अपने विमानों को पाकिस्तान वायु क्षेत्र इस्तेमाल ना करने के लिए भी कहा है। अमेरिका ने अपने विमानों को आगाह किया है कि वो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचे। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चरमपंथी और आतंकवादी समूहों द्वारा अमेरिकी एयरलाइंस पर हमले हो सकते हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि गुरुवार को जारी रखते हुए उसे 30 जनवरी को दोबारा पेश होने को कहा। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 2 अरब डॉलर के ऋण धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत में वांछित है। ब्रिटेन में उसके प्रत्यारोपण को लेकर सुनवाई चल रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 61.36 अंक यानी 0.15% की गिरावट के बाद 41,562.28 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35.95 अंक यानी 0.29% की गिरावट के बाद 12,246.25 के स्तर पर खुला।
तेल कंपनियों ने नए साल के पहले हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त वृद्धि की है। लगातार दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। देश के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे, कोलकाता में, मुंबई में 7 पैसे और जबकि चेन्नई में 8 पैसे प्रति लीटर ये महंगा हो गया। वहीं दिल्ली में डीजल 15 पैसे, कोलकाता में 12 पैसे, मुंबई में 13 और चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे से 7 जनवरी को कर आयुक्तों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में जीएसटी प्रणाली को तार्किक बनाने और धोखाधड़ी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार किया जाएगा। राज्य कर आयुक्तों और केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के साथ होने वाली इस बैठक में खामियों को दूर कर जीएसटी का अनुपालन बढ़ाने और प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो इतना भावनात्मक है कि इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। सचिन ने जैसे वीडियो को ट्वीट किया है वो छत्तीसगढ़ के एक दिव्यांग बच्चे मढ़ा राम का है जिसमें वो क्रिकेट खेलता दिखाई पड़ रहा है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट में लिखा कि साल 2020 की शुरुआत इस वीडियो से करें जिसमें मढ़ा राम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वीडियो मेरे दिल को छू गया, आपके दिल को भी जरूर छुएगा। भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत का समर्थन किया। पार्थिव ने कहा कि एक दो पारियां उनके प्रति बनाए गए विचारों को बदल सकती हैं और उन्हें जरूरी आत्मविश्वास दे सकती हैं। मैच में विकेट लेने या फिर शतक जड़ने के बाद गेंदबाज बल्लेबाज जश्न मनाते हुए मैदान पर नजर आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में गेंदबाज के जश्न पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने विकेट लेने के बाद गला काटने जैसा इशारा किया जिस पर अब बवाल हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग हारिस को खरी खोटी सुना रहे हैं। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद लंबा ब्रेक लेकर भारतीय टीम शनिवार से श्रीलंका के साथ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज से मैदान पर वापसी करेगी। सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस शहर में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में BCCI और असम क्रिकेट संघ स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। ACA के अध्यक्ष रोमेन दत्ता ने हालांकि कहा है कि स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। एंजेला मैथ्यूज को भारत दौरे के लिए श्रीलंका की T20 टीम में शामिल किया गया है। पूर्व कप्तान मैथ्यूज ने अगस्त 2018 से श्रीलंका के लिए T20 मैच नहीं खेला है। इसका कारण फिटनेस रही है। श्रीलंका क्रिकेट ने 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है जिसमें करीब 2 साल बाद एंजेला मैथ्यूज का नाम भी शामिल किया गया। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रेमो डिसूजा पर धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। धोखाधड़ी के मामले में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेमो डिसूजा ने अपना पासपोर्ट गाजियाबाद पुलिस को जमा करवाया है। रेमो के खिलाफ गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में धोखाधड़ी समेत दूसरे संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वर्ष 2018-19 फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिए जाने का ऐलान किया था, मगर वो ये सम्मान लेने खंडवा नहीं पहुंची। इस पर सरकार ने तय किया है कि उन्हें ये सम्मान मुंबई में दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री विजयालक्ष्मी साधु मुंबई जाकर वहीदा रहमान को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान भेंट करेंगी। करण जौहर की अपकमिंग मूवी सख्त तख्त में दरअसल जाह्नवी कपूर का नया अंदाज देखने को मिलेगा। इस मूवी के लिए जाह्नवी उर्दू लैंग्वेज और कथक की स्पेशल क्लास ले रही है। मूवी की शूटिंग इस साल शुरू की जाएगी। 2020 के पहले दिन ही फिल्म तूफान का जबरदस्त लुक रिलीज किया गया। तूफान में फरहान अख्तर एक राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। परेश रावल ने फिल्म से फरहान का लुक शेयर किया है। बॉलीवुड की 67 साल की दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल को लेकर हैरत कर देने वाली खबर सामने आई है। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली 45 वर्षीय करमाला मोडेक्स ने अनुराधा पौडवाल को अपनी मां बताया। इस मामले को लेकर करमाला ने जिला फैमिली अदालत में अनुराधा पौडवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसमें 50 करोड़ रुपयों का हर्जाना मांगा गया। फैमिली कोर्ट ने अनुराधा और उनके बच्चों को 27 जनवरी की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा है।